चलिए हम लोग सिंगल फेज मोटर देख रहे थे, कौन मोटर देख रहे थे? सिंगल फेज मोटर। इसमें हम लोगों ने स्प्लिट फेज मोटर देख लिया था, कौन सा मोटर देख लिया? स्प्लिट फेज। अब हम लोग देखेंगे जो है कैपेसिटर मोटर, कौन मोटर? कैपेसिटर मोटर। कैपेसिटर मोटर में जो पहला मोटर होता है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होता है, कौन मोटर होता है? कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में जो है इसमें भी छह टर्मिनल होगा, कितने टर्मिनल होगा? छह टर्मिनल होगा। एक तो पहले होगा रनिंग वाइंडिंग का, किसका होगा? रनिंग वाइंडिंग। दूसरा होगा स्टार्टिंग वाइंडिंग, ठीक है, और नेक्स्ट होगा सेंट्रीफ्यूगल स्विच, उसके बाद जुड़ेगा कैपेसिटर, उसके बाद इसको हम लोग जोड़ देंगे, यहाँ से दे देंगे हम लोग फेज और यहाँ से दे देंगे हम लोग न्यूट्रल, ये बीच में होगा रोटर, ठीक है। हम लोग तो सीख ले कि किस प्रकार से बाइंडिंग को फाइंड करते हैं, कौन स्टार्टिंग है कौन रनिंग है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टर्मिनल पे, टर्मिनल में ये रहेगा टर्मिनल, इसमें भी कितने टर्मिनल होंगे? छह टर्मिनल होंगे, ठीक है। तो हो जाएगा स्टार्टिंग बाइंडिंग, दो रनिंग बाइंडिंग, दो सेंट्रीफ्यूगल स्विच का होगा, ठीक है। और इसमें एक चीज जुड़ा रहेगा कैपेसिटर, ठीक है, क्या जुड़ा रहेगा? कैपेसिटर। ये है कैपेसिटर का दो टर्मिनल, कैपेसिटर, ठीक है। तो किसी भी मोटर को चलाने के लिए सबसे पहले रहेगा फिर उसके बाद रहेगा न्यूट्रल। सबसे पहला काम क्या करेंगे? स्टार्टिंग बाइंडिंग और रनिंग बाइंडिंग को क्या करेंगे? शॉर्ट करेंगे, ठीक है। यह जो शॉर्ट हुआ है उसको क्या देंगे हम लोग? फेज देंगे, ठीक है, हम लोग इसको फेज दे देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग स्टार्टिंग बाइंडिंग से चलेंगे। स्टार्टिंग बाइंडिंग से कहां चलेंगे? सेंट्रीफ्यूगल स्विच के पास, ठीक है। अब ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच से कहां चलेंगे? कैपेसिटर का एक टर्मिनल, तो यहां से चलेंगे कैपेसिटर। उसके बाद कैपेसिटर का टर्मिनल कहां जाएगा? रनिंग बाइंड जाएगा, रनिंग बाइंड जाएगा। इसको हम लोग जो है पहले रनिंग बाइंडिंग में जोड़ लेते हैं, रनिंग बाइंडिंग जोड़ दिए, और जो शॉर्टेड टर्मिनल है वही हम लोग किससे जोड़ देंगे? न्यूट्रल से जोड़ते हैं। समझ में आ गई नहीं आया? आ गया ना? अब इसकी रोटेशन दिशा को चेंज करना है, हम लोग घूर्णन दिशा को चेंज करना है, तो किसी एक बाइंडिंग के कनेक्शन को हम लोग चेंज कर देंगे। क्या करेंगे? किसी एक बाइंडिंग के कनेक्शन को चेंज कर देंगे। तो चेंज कर देते हैं हम लोग स्टार्टिंग बाइंडिंग या रनिंग बाइंडिंग, किसी स्टार्टिंग बाइंडिंग का चेंज करते हैं। ये जो कनेक्शन यहाँ जुड़ा है रोटेशन चेंज करने के लिए, ये कनेक्शन यहाँ हटाएंगे, इसका भी कनेक्शन हटाएंगे, ये वाला कनेक्शन जो है यहाँ से ये यहाँ जुड़ जाएगा, और ये वाला कनेक्शन ऊपर जुड़ जाएगा, ऊपर जुड़ जाएगा। तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी? इसकी दिशा बदल जाएगी। तो या तो स्टार्टिंग बाइंडिंग या रनिंग बाइंडिंग, किसी एक बाइंडिंग क्या क्या करना है? दिशा चेंज कर देना। दिशा चेंज करेंगे तो क्या होगा? रोटेशन की दिशा चेंज हो जाएगी, ठीक है। लिखिए इसको,
चलिए उतार लिया आप लोग। तो ये हम लोग जो है प्रैक्टिकल नीचे जा करके हम लोग देखेंगे और करेंगे और समझेंगे। चलिए जो भी हमारे साथ ऑनलाइन देख रहे हैं उन सभी को भी कैसा लगा वीडियो आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसी प्रकार से आपको एक एक वीडियो हम लोग प्रोवाइड करते रहेंगे। जैसे हमारे यहाँ आकर के पढ़ रहे हैं उसी तरह आप पढ़ेंगे। ये स्किल टेस्ट की ट्रेनिंग चल रही है, ये स्किल टेस्ट RMITI धनबाद में चल रहा है। और जो आप देख रहे हैं इस चैनल का नाम है सक्सेस पॉइंट बाय इंडक्शन, इसलिए इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम लोग टर्मिनल ग्राइंड करेंगे, ठीक है। ये कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है, तो इसमें 6 टर्मिनल होगा। देखिए 2 है, ठीक है, 2, 4 और 6। कितने टर्मिनल है? 2, 4 और 6। अब हम लोग टर्मिनल फाइंड करेंगे कौन कौन सा एक टर्मिनल है। जैसे इसमें लगाए और इसमें लगाएंगे कि इससे जला नहीं, इससे जला नहीं, इससे नहीं, इससे नहीं, इससे जल गया। इसका मतलब ये दोनों किसका है? एक बाइंडिंग, एक बाइंडिंग का। अभी रनिंग है कि स्टार्टिंग, ये हम लोग को नहीं पता है, तो इसको कर देंगे हम लोग साइड। फिर दूसरा को करेंगे, दूसरा को करेंगे, इसमें जला नहीं, इसमें नहीं, इसमें जल गया, जला। तो ये दोनों क्या है? एक बाइंडिंग। ये भी दोनों साइड हो गया, ठीक है। अब ये दोनों एक होगा, एक होगा, हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग चेक करेंगे कि रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है किसका कम है, ठीक है। अब हम लोग इसको लगाएंगे मल्टीमीटर में रेजिस्टेंस में। देखिए इसको रेजिस्टेंस में लगा रहे हैं, ठीक है। देखो कुछ चल रहा है, ये मल्टीमीटर ठीक नहीं है क्या रे? सर ऊपर वाला पॉइंट है, इसमें लगाएंगे। अब देखेंगे हम लोग जो है कि इसका इसका कितना रेजिस्टेंस है, कितना रेजिस्टेंस है इसका? 8, ठीक है। ये दोनों टर्मिनल का 8 है, ठीक है। अब ये दोनों का कितना है? 19 है। इसका ये दोनों का कितना था? 8। ये दोनों का कितना है? 19। और इसका कितना आया? 3। बहुत कम। जिसका सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस हुआ वो किसका होगा? स्टार्टिंग बाइंडिंग। जिसका उससे कम हुआ, तो सबसे कम हुआ सेंट्रीफ्यूगल स्विच। अब हम लोग कनेक्शन करेंगे, एक स्टार्टिंग एक रनिंग शॉर्ट करेंगे, एक स्टार्टिंग एक रनिंग शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट कर दिया। इसको क्या देंगे? फेज देंगे। यहीं से हम लोग इसको फेज को दे दिए, ऑन नहीं है, नहीं सर। इसको दे दिए हम लोग फेज दे दिए, ठीक है। आप चलेंगे स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग से किस में जाएंगे? सेंट्रीफ्यूगल स्विच में। स्टार्टिंग से हम लोग सेंट्रीफ्यूगल स्विच में गए। अब सेंट्रीफ्यूगल स्विच से कहाँ जाएंगे? कैपेसिटर में। कैपेसिटर में देखिए, कैपेसिटर का एक सिरा में लगाएंगे, कैपेसिटर के एक सिरे में कनेक्ट कर दिए। उसके बाद कैपेसिटर से कहाँ जाएंगे? रनिंग बाइंडिंग, रनिंग बाइंडिंग यहाँ जोड़ दिए। यही जो रनिंग बाइंडिंग जोड़े वहाँ क्या जुड़ेगा? न्यूट्रल जुड़ेगा। यहाँ हम लोग जोड़ दिए न्यूट्रल, न्यूट्रल क्या किया? जोड़ दिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? चलाएंगे, ठीक है। MCV को करेंगे ऑन, इसको करेंगे तो चालू हो गया। चालू हुआ ना मोटर, क्या हुआ? चालू हो गया, ठीक है। अब हम लोग करते हैं डायरेक्शन चेंज। क्या करेंगे? डायरेक्शन चेंज करेंगे। अभी किधर घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ऐसे घूम रहा है, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्शन चेंज करेंगे। डायरेक्शन चेंज करने के लिए ये कौन बाइंडिंग था? स्टार्टिंग बाइंडिंग। तो या तो स्टार्टिंग या तो रनिंग, स्टार्टिंग बाइंडिंग को आपस में चेंज कर देंगे, ठीक है। रनिंग बाइंडिंग को ही कर देते हैं। रनिंग बाइंडिंग कौन था? ये और ये था। आपस में इसको कर देंगे चेंज, ठीक है। आपस में हमको इसको चेंज कर देंगे। इसको रहने देते हैं,
ये वाला को कनेक्ट इससे कर देंगे और ये वाला कनेक्ट इससे कर देंगे तो जाएगा रोटेशन इसकी चेन में। प्लायर नहीं रखा, अब इसको कर देंगे इससे कनेक्टेड। एक वायर स्टिपर लाओ और प्लायर लाओ, तार को तुम लोग वायर स्टिपर में देखिए। अब क्या किया, ये दोनों को आपस में हम लोग क्या किए, रनिंग बाइंडिंग को चेंज कर दी। पहले घूम रहा था कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, अब घूमेगा क्लॉकवाइज, तो देखते हैं घूमता है कि नहीं। इधर घूम रहा है देखिए, तो देखिए किधर, इधर से घूम रहा है ना, देखिए किधर घूम रहा है, क्लॉकवाइज में हो गया ना चेंज। यस सर, कनेक्शन हो गया, आप हो गया। यस सर।